तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर का मिलान कर लीजिएगा। पेपर बिल्कुल उसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप सब लोग फिर भी एक बार अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में कितने अंक के क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर था आपके पास में, हो सकता है कि इस प्रकार का पेपर मिला हो या फिर अलग आया हो, क्योंकि देखिएगा आप सब लोगों को पता है कि इस बार MP में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के पेपर आपके स्कूल के जो शिक्षक है उनके द्वारा या फिर आपके तहसील के जो शिक्षक है उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इसलिए पेपर अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी जिन बच्चों के पास में ये वाला क्वेश्चन पेपर आया है, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान जरूर कर लो। तो देखो, इस प्रकार का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, आप सब लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो देखो, उत्तराखंड में। अफ्रीका में पशु बीमारी फैली? तो देखो, रिंडरपेस्ट फैली थी। और संसार में अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान है? तो देखो, लोकतांत्रिक सरकारें विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो देखो, सोयाबीन को कहा जाता, सोयाबीन यहाँ पर आ जाता। और विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दीद्रो ने की थी। अगर आप लोग इस प्रकार से भरकर आए होंगे तो पूरा आपका सही होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने आपके गलत हो गए। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगी। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लो। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमिश्रण गांधी दर्शन में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया है, आप सब लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाढ़ की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसका है? मेटरनिक का कथन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या? ब्रुसेल्स। और उसके बाद में देखो, नरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन है। गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रकार से पूरा पेपर हल करके आए होंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सही है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी मिलान इस प्रकार से पूछा गया है, देख सकते हो, जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान देख लें। जोड़ी किस प्रकार से मिल जाएगी? सुंदरबन की जोड़ी मिल जाएगी पश्चिम बंगाल से, और श्रीलंका की जोड़ी मिल जाएगी द्वीपीय देश से। 8वीं अनुसूची की जोड़ी मिलेगी भाषा से, और अवनींद्र की टैगोर की जोड़ी मिलेगी भारत माता से। और उसके बाद में सरकार का बेहतर स्वरूप, तो देखो लोकतंत्र, और आय और उद्योग का अंतर, तो देखो इसको कहते हैं, देखिएगा इसका हो जाएगा बचत, ठीक है ना। आप सब लोग इस प्रकार से मिला ले, आय और उपयोग, उपयोग होगा या ये उपभोग होगा, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट हुआ है, आय और उपभोग, क्या लिखोगे यहाँ पर? उपभोग, ठीक है ना। तो आप सब लोग लिख लें इस प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लें। ये पूरा का पूरा समझा दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो, सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लीजिएगा। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, देखिएगा सही है। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास की दर सबसे अधिक होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सत्य होगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, ये असत्य होगा। भारतीय समाज मात्र प्रधान है, तो असत्य होगा क्योंकि यहाँ पर पितृ प्रधान समाज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो ये पूरा सत्य है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो देखो, स्त्री पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और उसके बाद में चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? तो देखो, इसको कहते हैं विपक्ष, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, स्वयं सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य? तो देखो, आर्थिक निर्भरता। और विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो देखिएगा, इसको कहते हैं मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देना, या किसी मुद्रा को चलन से बाहर कर देना, या किसी मुद्रा को ही बंद कर देना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, होज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मगर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूँ, बहुत सारी पुस्तकों में कहीं कहीं पर ये इल्तुतमिश दे रखा है, जो कि देखिएगा मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ही सही है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, ठीक है। उसके बाद में, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? तो देखिएगा, ये कथन किसका है आपको बताना है, ये महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, तो पूरा को पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। बाकी के क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हो, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप सब लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, और आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। देखिएगा, पेपर बिल्कुल
बिल्कुल उसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से ऐसी आई है जो कि मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करवा दी थी। और देखिएगा वेबसाइट पर आप लोग बराबर चेक करते रहा करो, मैं आपका स्टडी मटेरियल भी अब वहाँ पर डालता रहूँगा ताकि आप सब लोगों की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके। अब देखिएगा इसी के साथ में सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका हो चुका है और इसी के साथ में अब आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो थी वो भी आपकी पूर्ण हो चुकी है। मगर देखिएगा अब आगे मैं आपके लिए एक प्लान बनाने वाला हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको प्रत्येक विषय के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा और देखिएगा आपके जो भी IMP क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो आप सब लोग उन क्वेश्चन आंसर को जरूर अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। और देखिएगा इस त्रैमासिक परीक्षा से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस बार मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं, आप सब लोगों ने अगर तीनों सेट पेपर को देखा होगा ना तो 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए आपके परीक्षाओं में आए हैं। ये बात अलग है कि इस बार आपके पेपर अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं, इस वजह से कोई सा क्वेश्चन किधर हो गया कोई सा क्वेश्चन किधर हो गया। मगर जिन बच्चों ने भी सेट ए को, सेट बी को और सेट सी को पूरा देखा ना, उनका पेपर बिल्कुल एकदम मस्त गए हैं, क्योंकि देखिएगा तीनों सेट पेपर में से एक क्वेश्चन आपके बनकर आए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।